नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपको सारे के सारे 12 महीने के जो त्योहार होते हैं वो सारे के सारे हिंदू त्योहार पूरे के पूरे इस क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं समय कितना सेट हो पाता है, उस हिसाब से मैं मेरी कोशिश करूंगा आपको पूरे ही याद करवा दूं आज की क्लास में। आज की क्लास आपको टेलीग्राम पे बताया था कि बहुत स्पेशल और विशेष रूप से, मतलब ये बहुत सारे ट्रिक्स और किस किन तरीकों से याद रखा जाता है और क्या क्या चीजें मुख्यतः याद में रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से क्या पूछा जाता है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही अपन इसको आगे चलाएंगे। और आज की क्लास वैसे दिखती बात है कि थोड़ी लंबी होनी है, लेकिन आएगा आनंद आपको, क्योंकि त्योहार वैसे भी देखो आनंद देने के लिए ही होते हैं और अपन कोशिश करेंगे कि वास्तविक आनंद आपको आए और आपको याद हो जाए। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं चैत्र शुक्ल माह के त्योहार। जो विद्यार्थी सीधी ही ये क्लास देख रहे हैं उनको इससे पहले वाली जस्ट क्लास देखनी जरूरी है। उसमें विक्रम संवत शक संवत का अंतर बताया था, क्या बिल्कुल नॉर्मल सा अंतर है और कैसे वो बताया, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कैसे याद रखना है, पूर्णिमा अमावस्या सारा का सारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर करके और याद करवाया था। ठीक है ना, याद करवाया स्पेशली कहता हूं मैं, क्योंकि वास्तव में याद करवाया था। आप क्लास देखोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा और उसके बाद में वो समझी है तो अब ये समझने में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला अपना है चैत्र शुक्ल माह। ठीक है, ये जो है ट्रिक है इस चैत्र शुक्ल माह की, यदि सबसे पहले ही देखो आगाज ही क्लास का ट्रिक के साथ हो रहा है और ट्रिक ऐसी है जो आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे गिनती में याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे गिनती में याद हो जाएगी कि नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नव नव गण अशोक के घोड़े पर राम जी की निकली सवारी। अब राम जी की निकली सवारी तो वैसे याद रहना क्यों, बहुत है अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो ये गीत अगर नहीं गाया तो अंताक्षरी अधूरी है। राम जी की निकली सवारी देखो। ठीक है ना, अब ये नव नव गण, नव नव यानी कि अब ये अभी कौन सी आ रही है, अपने नवरात्रि आ रही है। ठीक है, और क्या आ रहा है, नव वर्ष प्रारंभ। कौन सा, हिंदुओं का, अपना तो नव वर्ष देखो यही है, वैसे 1 जनवरी से जो मनाते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष होता है। और वैसे जो तिथि देखी जाए महीनों की, जो भी कार्यालयों में वगैरह, वो अपने जनवरी से दिसंबर तक ही चलती है। ठीक है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो नव वर्ष प्रारंभ, और क्या है, नवरात्र है। क्या है, नवरात्र, शुद्ध शब्द तो नवरात्र होता है। ठीक है ना, नवरात्र है, बसंती नवरात्र। ठीक है ना, ये यहां पे आएंगे आपके। ये क्या है, गण, गण से मतलब है गणगौर, गण से मतलब है गणगौर। अब गणगौर वैसे चैत्र कृष्ण एकम से शुरू, प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलती है। ठीक है ना, वैसे 18 दिन का ये त्योहार है, लेकिन ये चैत्र शुक्ल पक्ष में भी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे आपको गणगौर के बारे में बताया भी है कि चैत्र कृष्ण, यहाँ पे देख लेना एक बार, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है और ये है ना 18 दिन का त्योहार है, 18 दिन का त्योहार है ये गणगौर। ठीक है, तो गणगौर इसमें भी आएगी उसमें भी आ जाएगी, चैत्र महीने के अंदर कुल मिला के आ जाती है। ठीक है, और फिर यहां से आ जाएगी आपके अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी देखो त्योहार बड़ी, मतलब याद रखने के लिए है ना, जब पूछा जाता है ना वहां पे एग्जाम में तो बहुत टेढ़ी चीज हो जाती है, लेकिन यहां से क्या होता है कि याद हो जाते हैं और अपने कंफ्यूजन नहीं होता, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अशोकाष्टमी, वैसे ये सारी ट्रिक्स आपको अपनी वन लाइनर में भी मिलने वाली है। आज एक टेलीग्राम पे पेज शेयर किया था, ग्रुप में भी, अपने यूट्यूब पे भी डाला है कम्युनिटी टैब में, वो टेलीग्राम पर एक पेज है। मुझे विद्यार्थी कहते सर थोड़ा सा बताइए कैसी है क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इसमें से क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, ये समझ में नहीं आता क्यों, हर एक पेज ही दो, मतलब उसके अंदर सब, हर पेज की विशेषता है, तो क्या बताऊं क्या छोड़ूं। अभी मैंने आपको वो ब्लैक एंड व्हाइट पेज शेयर किया है। ठीक है, वो प्रूफ रीडिंग के अंदर का पेज शेयर किया है, जो प्रूफ रीडिंग के समय मेरे पास आया था, वो जो आएगी आपके पास में वो पूरी रंगीन आएगी। ठीक है ना, पूरी प्रिंटेड, मतलब रंगीन प्रिंट में आएगी, पेज क्वालिटी बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी और कंटेंट के बारे में तो आप खुद ही समझ गए होंगे। वैसे अभी जितने भी पेज आपको दिखाए हैं वो सारे, तो विद्यार्थी बड़े उत्सुक होते हैं कि क्या है। तो यूं है कि अप्रैल का पहला सप्ताह कहाँ है, तो देखो पहला सप्ताह तो अभी 1 तारीख से शुरू होगा, वो सोम से वो वाला मत मानना आप। ठीक है, 1 तारीख से 7 तारीख वाला सप्ताह माने, तो उसके अंदर आपको मिल जानी है। ठीक है,
बहुत बहुत इंतजार हो रहा है इस किताब का। इस किताब का हकीकत में मुझे भी इंतजार है वैसे। क्यों? क्योंकि ये वह किताब है, अभी राजस्थान जीके का वैसे दौर है, मतलब रीट के अंदर राजस्थान जीके जुट रहा है, सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में है, ग्राम विकास अधिकारी सभी विद्यार्थियों को इंतजार है। सिर्फ आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी इंतजार नहीं कर रहे हो, इस बुक का बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखोगे तो पता चल जाएगा, बार बार नहीं कहा। ठीक है, घोड़ा यानी कि गुडला, गुडला महोत्सव जोधपुर के अंदर, ठीक है, सातल खा की स्मृति में मनाया जाता है। वैसे गुडले खां था, उसकी पुत्री गिंदोली, और गिंदोली ने गुडला नृत्य शुरू किया। ये सारी स्टोरी अपन ने महिलाओं के अंदर गिंदोली पढ़ाई तब पढ़ाया था उसके अंदर, ठीक है। मल्लू खां का सेनापति गुडले खां, फिर वो यहाँ से कन्याओं को ले गया, इसके सिर को फुटबॉल बना दिया, वो सब शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि त्योहार में चलना है अपन को, हिस्ट्री में नहीं चले जाना, ठीक है। और यहां से आ जाएगी आपके रामनवमी, राम नवमी, राम नवमी यहां से आ जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है सवारी यानी कि गणगौर की सवारी, जो आपके जयपुर में गणगौर की सवारी निकलती है, वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की ट्रिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है, पूरी पूरी याद रखनी है। अब आ जाते हैं अपन इस पे, हिंदू नववर्ष की प्रारंभ यदि देखा जाए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कह दो चाहे एकम कह दो, इसे क्या कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रति पदा, ठीक है। नवरात्र एकम से नवमी तक, एकम से नवमी तक ये नवरात्र चलते हैं। नौ, वैसे नवरात्र यानी नौ रातों का समूह होता है, तो नवरात्र एक से नौ तक ही चलेंगे। यहां मुख्य जो त्योहार है साथियों, गणगौर तिथि मैंने आपको बता दिया। ये गणगौर जो है शिव और गौरी की पूजा इसमें की जाती है, और ये पार्वती जी के गौणे का प्रतीक है। गौणा समझते हो ना, मारवाड़ी में मराठे क्या करे, अणो, अणो करायो, आना कराया, ठीक है। और कई जगह गौना कहते हैं, कई जगह मुकलावा कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है गौना, जब कम उम्र में मान लो किसी कन्या की शादी हो गई, ठीक है, वैसे बाल विवाह वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो कि जो उसके पीर वाले हैं, मायके वाले हैं, वो भेजना नहीं चाहते अभी साथ में, तो 2 साल बाद भेजते हैं, तो अभी शादी तो कर दी लेकिन वो रह रही पीर में ही है, फिर बाद में जो है उसके साथ में सब सामान वामान देकर और बाद में भेजते हैं, तो वो होता है गोणा, यानी कि अब पति के साथ में रहने के लिए भेजी है, तो वो आना गोणा मुकलावा जो भी है वो चीज कहा जाता है। तो ये शिव और पार्वती, और ये गौरी यानी पार्वती, और इनके गोने का प्रतीक है ये, ठीक है। गणगौर की जो सवारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है साथियों, और बिना ईसर की गणगौर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। बिना ईसर, ये ईसर जो है शिव जी के, शिव देखो गण और गौर, गण यानी शिव, गौर यानी पार्वती, गौरा कहते हैं ना तो पार्वती, और यहाँ ईसर जो है वो शिव जी है, समझ लीजिए, ठीक है। मूर्ति जो होती है वो ईसर कहलाती है। यहाँ क्या हुआ, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। यहाँ क्या हुआ कि बीकानेर के जो शासक थे वो यहाँ से ईसर की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, तो आज भी वहां पे बिना ईसर की सिर्फ गौर की पूजा की जाती है, लेकिन जैसलमेर वाला भी कोई कम को ना, ठीक है, बदला बदला जरूर लिया जाता है। इन्होंने बदला ऐसे लिया बीकानेर के, वहां की तोपे जीत कर यहाँ पे लाकर रख ली, तोपे यहाँ पे ला के उनकी रख दी। ये मुझे तो पता चला जब मैं जैसलमेर भ्रमण पे गया था, तो वहां के गाइड ने बताया था कि सर ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें छोड़ दिया, कि हमने भी बदला पूरा लिया है। मैं कैसे, तो कि यहाँ पे जो तोपे पड़ी है ना, वो बड़ी बड़ी, वो हमने बीकानेर से जीत कर लाई थी, तो ये इस तरीके से कि हमने भी हमारे बदला ले लिया, बदले की भावना। धींगा गवर गणगौर बहुत पूछा जाता है, ये जोधपुर और आपके उदयपुर, ढींगा गवर गणगौर कहाँ मनाई जाती, जोधपुर और उदयपुर। एक गुलाबी गणगौर भी याद रखना, ठीक है, एक याद रखना गुलाबी गणगौर, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, ठीक, ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है। हो सकता है, देखो नादान बालक हूं, हो सके कोई गलती वलती हो जाए, बता दीजो, ठीक है, सुधार कर लेंगे, वैसे कोशिश यही रहती है कि नहीं हो। बाकी बहुत सारे देखो त्योहार है, तो हो सकता है भी मंद बुद्धि बालक हूं तो कोई त्योहार अनमीने बता सकूं, ठीक, तो गलती हुई सुधार करना, बाकी मेरी कोशिश है गलती कौन वह। अशोका अष्टमी, ठीक है, चैत्र शुक्ला अष्टमी को ये मनाया जाती है, रामनवमी चैत्र शुक्ला नवमी को, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राम जी का जन्म, राम जी का जन्म। एक बच्चे को पूछा है स्कूल में कि भैया बताओ रामनवमी क्यों मनाया जाता है, कि गुरु जी राम जी 8वीं पास कर नवमी में आएगा जाना रामनवमी, और गुरु जी आजकल तो कोरोना में 8वीं पास करने जरूरत ही कौन, डायरेक्ट ही पास हो जाओ तो अपार, तो रोज ही रामनवमी। अरे डोपा जी यूं कौन है, रामनवमी मनाओ है, राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है रामनवमी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें।
हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। और एक और त्योहार याद रखें, मैं आपको बता दूं यहीं पे, चैत्र शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, शुक्ला त्रयोदशी को महावीर जयंती। वैसे जैनों के अंदर इसको बताते, लेकिन यहां पे भी बता देते हैं, महावीर जयंती भी चैत्र महीने का त्योहार है, ठीक है, चैत्र शुक्ला 13। फिर आता है अपने बैसाख माह। बैसाख माह है ना, कई जनों के सपनों को साकार करने के लिए आता है बैसाख माह। क्या मैं बताऊं थान, रुको, देखो, अखा तीज, ठीक है ना, अखा यानी पूरी आखी है, ठीक है, अबूझ है, टूटती नहीं है ये, कुल मिला के कहने का मतलब, ठीक है, अखा तीज बैसाख शुक्ला तृतीया को आती है। यहाँ पे अबूझ सावे, अबूझ यानी देखो, एक किने कोई हो जावे, कोई मतलब कोई बीमार भी पड़ जावे, आजकल आ बड़ो चलन है कि बूझ कराओ, कि हाँ बाजी हो बताओ, मेरे यूं करियो, मैं क्यों बूझ कराओ, बूझ यानी कि पूछवाना, अबूझ यानी कोई पूछने की जरूरत नहीं है, जिन्हें मतलब पंडित द्वारा योग नहीं वह बिना भी पढ़ना सको थे, अबूझ हवा में, ठीक है, घना घना पंडित जी, भीड़ भीड़ मतलब पंडित जाए, क्यों कि नहीं ब्याह नहीं उजैन तो क्या आका तीज ने पढ़ना है, दो ठीक है, आका तीज यानी बहुत सारे शादी, अबूझ सावे और सात अन्नों की पूजा, और अन्न की पूजा होती है तो फिर हल की पूजा भी होती है, ठीक है, हल पूजा भी होती है अबूझ। कहते हैं कि इस दिन सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, परशुराम जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। तो देखो, सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तो वो मतलब देख के थोड़ी, आपको मैं एक हकीकत बताऊं, कई जने जो है मतलब ऐसा कोई काम करते हैं ना नया, तो बहुत मुहूर्त वहूर्त तो देखते और ये सब करते हैं। अपना ये जो चैनल गौरव ज्ञान धारा शुरू किया था ना, ऐसे ही किया था ना, आज दिन तक इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा और ना कहीं नाम वाम कोई नहीं सुझाया, कह जना नाम पूजा पंडित जी के जनरा, अपने तो बस ऐसे ही गौरव ज्ञान धारा के रख देते, बैठे बैठे बात की, हाँ गौरव ज्ञान धारा रख देते, आगे बना देते हैं कि कैसे बनता है, ऐसे बनता है, चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कुल मिला के उद्देश्य क्या था, विद्यार्थियों का हित करना है, फायदा पहुंचाना है, अपने यदि खुद का हित देखा होता तब तो मुहूर्त देखते, अरे यार अब मुहूर्त में नहीं किया तो अपने यार कहीं नुकसान हो गया, अपने नुकसान का सोचा ही नहीं, हित है तो विद्यार्थियों का है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, शुरू करो बस, मचकाओ। बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख शुक्ला पूर्णिमा, इस बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोगों में बहुत मतलब इसका महत्व है, क्यों, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि परलोक गए थे, तो वो सभी इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है, जो बैसाख पूर्णिमा कही जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो मुख्य त्योहार है, और इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखवाते हैं, चलिए इसको याद ऐसे रखना, वैसाखा तीज पूरी होती है, पूरी पूरी से पूर्णिमा याद रह जाएगी, तीज आका तीज में बताए टूटे कौन आकी रहे, ठीक है, तो वैसाखा तीज कुल मिला के वैसाखा तीज इतनी याद रखना है, पूर्णिमा वैसे ही याद हो जाती है, ठीक है ना, तो वैसाखा तीज यानी कि आखा, वैसाखा यानी वैस और आखा साथ भी आ रहा, आखा तीज, वैसाखा तीज, वैसाखा तीज, ठीक है, ये याद हो जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, ज्येष्ठ माह के त्योहार, जेठ माह त्योहार तो प्रसिद्ध है, जेठ माह की गर्मी भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जेठ माह की गर्मी पसीनों काट दे, ठीक, तो ये जेठ माह कहते हैं ना, वो ज्येष्ठ है, वैसे ज्येष्ठ को ही जेठ माह भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ अमावस्या, अमावस्या आती क्या हो जाता है, महीना हो जाता है आधा, बताया था ना कल, अमावस्या यानी अ से आधा, पूर्णिमा यानी प से पूरा, ठीक, तो ज्येष्ठ माह इसमें क्या होता है, महिलाएं पति व पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, ठीक है, पति व पुत्र की लंबी उम्र के लिए ज्येष्ठ अमावस्या को व्रत रखती है। और निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला यानी कि उस दिन जल नहीं पिया जाता, पानी पिए बिना महिलाएं कर सकती है, पुरुषों तो देखो पुरुष तो क्या है, निर्जला एकादशी हालांकि कर सके है, बाकी पुरुषों के है कि कई जना तो व्यापार जी में कई पान मसाला बैन बैन पानी बिना मतलब कुल्लू नहीं कर सके, वो मुने भूंडी हो जा कई जना, ठीक है ना, और मतलब बहुत सारे वो दूसरे और व्यसन खूब सारे करते हैं ये, हालांकि कई तो कई क्षेत्रों में महिलाएं भी करती है, उसका नहीं कह सकते, लेकिन उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि निर्जला एकादशी अधिकतर अधिकांश जो है महिलाएं, देखो श्रद्धा और पूजा पाठ और ये भगवान के प्रति प्रेम, और देखो आदमी तो क्या है कमाने में और आर्थिक उसमें सब में लगा रहता है कि मैं लाऊंगा नहीं कमाऊंगा नहीं चलेगा कैसे, और महिलाएं क्या है भक्ति बहुत ज्यादा होता है महिलाओं के अंदर, तो ये व्रत वगैरह ज्यादातर देखना आप महिलाएं करें, अपार जरा
आदमी कई कर जिम लेकर दबेली देखी, दबेली जिमली, वड़ा पो देखा, वड़ा पो जिम लिया, ठीक है ना, कंट्रोल कौन में। और महिलाएं क्या है कि व्रत वगैरह बहुत करती है, एक दूसरे को देख के भी कर देती है, शौक से भी कर लेती है कई, और कई लोग श्रद्धा से भी करती है, ठीक है। अच्छा, इस क्लास में कोई बुरो नहीं माने, ठीक है, याद कराने खातिर मैं कह सकूं तो बुरो मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, मान लिया तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, आषाढ़ माह, ठीक है, ये चित्र बना ज्योति आसरा वाली ट्रिक तो आपको याद हो गई होगी, और वैसे ही सीधे याद है महीने तो कोई कोई समस्या है नहीं। जब जो चीज सीधी याद होती है उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं, जो याद नहीं हो रही है, कंफ्यूजन बढ़ा रही है, उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है, और वहां पे ट्रिक बहुत अच्छे से काम करेगी, ठीक है। आषाढ़ माह में आते हैं, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्र, देखो नवरात्र चार होते हैं, दो गुप्त होते हैं, दो प्रकट होते हैं, ठीक है। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्र आते हैं आपके, और आषाढ़ शुक्ला एकम से नवमी तक, फिर वही है, एकम से नवमी नवरात्र आया नाम, यानी कि एकम से नवमी चलना ही चलना है, ठीक है। चलिए, चतुर्मास का प्रारंभ, चतुर्मास किसको कहते हैं, चौमासो, मारवाड़ी में क्या करें, चौमासो, जिन दिन मतलब चौमासे में क्या होता है कि मांगलिक कार्य कोई भी नहीं होते, साधु संत वगैरह जो भी है वो तपस्या में लीन रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चौमासे बैठ जाते, ठीक है। चौमासे बैठना यानी तपस्या करेंगे, श्रद्धालु जाएंगे, दर्शन करेंगे, और इस तरीके से ही 4 महीने, 4 महीने बताते कि देवता सो जाते हैं, तो वहां पे कोई भी मतलब मांगलिक कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य का मतलब है कोई, जैसे कि विवाह है, कोई घर में और कोई वो है, उत्सव तो मतलब त्योहार तो आते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, वो चातुर्मास होता है, ठीक है ना। तो चातुर्मास है, चातुर्मास का आपके साथियों प्रारंभ जो है वो आषाढ़ शुक्ला एकादशी से, ठीक है, 11 से होता है, आषाढ़ शुक्ला एकादशी से होता है, इसे देव सहिनी 11 भी कहते हैं, ठीक। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इस दिन क्या होता है, देवता सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या है, देवता सोए हुए हैं, मांगलिक कार्य करने क्या मतलब ध्यान कौन रखेगा, ठीक है ना, तो वहां पे मांगलिक कार्य इस दरमियान कोई भी नहीं होते। और ये आषाढ़ पूर्णिमा जो आती है वो गुरु पूर्णिमा, याद रखो, अरे गुरु पूर्णिमा है, ठीक है, और अपने अपने गुरु को मतलब उस दिन पूजे तो कहीं ध्यान पूजे कि नहीं पूजे, याद जरूर करेगा, हाँ गुरु जी हो, ठीक है। गुरु पूर्णिमा ये दिन आवे, किस दिन आवे, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आती है, ठीक। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, एक ये जो है शुक्ला तीज पर आपके माकड़ माता का मेला भी भरता है अजमेर के अंदर, ठीक है। इसकी ट्रिक है, आशा करो, अब आशा, आशा यूं लिखी, उनको जाना के गुरु जी थे तो घोटा ही लिखो, आशा यूं थोड़ी लिखी जाए, आशा तो यू वो लिखी जाए, सलजम वालो, अरे आषाढ़ महीनो है ना, इन वास्ते को लिखी उड़ो, ठीक है। आशा करो गुरु से जो पूर्णिमा के दिन मकर माता में चतुर्मास बैठ जाओ, गुरु से आशा करो कि पूर्णिमा के दिन मकर माता में चतुर्मास बैठ जाओ, गुरु जी मैं सफल हो जाओ, थे चतुर्मास बैठ जाओ मैं सफल हो जाओ, ठीक है। आप भावना आजकल ज्यादा है, गुरु जी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, अरे खुद का संघर्ष खुद करना है, गुरु जी संघर्ष गुरु जी कर लियो, ठीक है ना। आशा करो यानी कि आषाढ़, सबसे पहला क्या आ जाएगा, आषाढ़ महीना, ठीक है, यहां से और यहां से दोनों से निकल के आया, एक से आया गुरु और एक से आया पूर्णिमा। अच्छा पूर्णिमा क्यों कहते हैं पता है, इमा कहते हैं चांद को, पूर्ण होता है यानी पूरा पूरा 4 दिन जिस दिन होता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्णिमा, माकड़ माता का मेला, ठीक है, ये भरा जाता है अजमेर में, माकड़ माता का मेला कहां भरते हैं, अजमेर में भरा जाता है। और चातुर्मास यानी कि चातुर्मास प्रारंभ कब से, 11 से, ठीक है। ये तो पक्का है कि आपने त्योहार इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे कभी, ठीक है, क्योंकि मुझे जहां जहां देखो जरूरत महसूस हुई वहां वहां मैंने इनोवेशन किया है, नवाचार किया है, और वो नवाचार अब विद्यार्थियों के साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है। तो यही है, ये चातुर्मास प्रारंभ है, गुरु पूर्णिमा और ये मकर माता का मेला, ये आषाढ़, आशा करो गुरु से जो मकर माता में चातुर्मास बैठ जाए, जितनी सी ट्रिक है छोटी सी ट्रिक है याद हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसको वो मत देखना कि ये बड़ी है, मतलब याद होने के लिए कितनी अच्छी है, आशा किसने करनी, गुरु से करनी है, माकड़ माता हम चतुर्मास बैठ जाएंगे, देखो आशा करोगे ज्यादा, ठीक है। श्रावण महीना, उसके बाद में क्या आया, आस्त्रा करो, बताया देना ट्रिक, चित्र बना ज्योति आस्त्रा भाई अशोका मापा मागुन, ठीक है ना। तो फिर क्या आया, आषाढ़ के बाद में श्रावण, अब श्रावण, श्रावण के अंधे को शब्द दिखे हरा ही हरा, तो यहाँ पे हरा शब्द बहुत आएगा, ठीक है ना, श्रावण के अंदर, तो ये ध्यान रखना, श्रावण है या हरा हरा कुछ है, कुछ याद नहीं आ रहा, तो श्रावण महीने में तो जाना ही जाना है, श्रावण के डोकरे के लिए सब हरियाली हरियाली है, ठीक है। नाग पंचमी, देखो नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग की पूजा की जाती है, दूध पिलाया जाता है, ये सब पूजा की जाती है, ठीक है, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए। नाग पंचमी आती है आपकी श्रावण कृष्णा पंचमी के दिन, श्रावण कृष्णा पंचमी
पंचमी के दिन। अब नाग देवता ज्यादा ही राजी होगा और रे रे नावे बस कहीं करे नाग देवता को वापस भेजने के लिए किसकी पूजा करते हैं, नेवला नवमी, नेवले को, मतलब के कहते कि सर्पों से रक्षा के लिए फिर नेवले की पूजा की जाती है, निड्री नवमी भी इसको कहते हैं। ठीक है, नाग देवता ज्यादा राजी होगा, हम नेवलन मनाओ। ठीक है, तो निड्री नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, वो भी देखो इसी के अंदर आती है। नाग पंचमी जिस महीने में आ रही है उसी महीने में नेवला नवमी यानी निड्री नवमी भी आ रही है। ठीक है, हरियाली अमावस्या, मैंने बताया कि श्रावण के डोकरे को सब दिखे हरा हरा, तो हरियाली अमावस्या कब आएगी, श्रावण मास के अंदर आएगी। अब इसमें कृष्ण शुक्ल बताने की जरूरत नहीं, अमावस तो अमावस है। ठीक है, कृष्ण अमावस तो काली होती है, कृष्ण ही है, और पूर्णिमा गौरी यानी कि शुक्ल है। ठीक है, तो हरियाली अमावस्या श्रावण माह में आती है। कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है साथियों, ये कल्प वृक्ष का जो मेला है, चलिए मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको, कल्प वृक्ष का जो मेला है वो मंगलियावास में। ठीक है, और ये मंगलियावास जो है वैसे अजमेर के अंदर है, ब्यावर के पास, ब्यावर के पास बताते हैं कि यहाँ पे मतलब वो उस पुराने सतयुग द्वापर युग के समय के लगभग कल्प वृक्ष का एक जोड़ा है। हालांकि मंगलियावास में गया हुआ हूँ और वहां जोड़ा है वो कल्प वृक्ष का, और उसका उसकी पूजा की जाती है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। ठीक है, तो उसकी पूजा की जाती है और उसका मेला भी भरता है, वो आपके श्रावण माह में भरता है। ठीक है, तो ये कल्प वृक्ष का मेला भी यहाँ पे भरता है। अब देखो जो मुख्य चीज आई है, मजो तो हम आई, श्रावणी तीज, कहीं समस्या नहीं आएगी, श्रावणी तीज है तो श्रावण में ही आनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटी तीज, हरियाली तीज, बताया ना हरियाली जगह जगह आएगा तो श्रावण महीने में जाना है, हरियाली तीज। और हरियाली में क्या होता है, हरियाली में कहीं बाग बगीचे में गए तो वहां पेड़ पेड़ देखो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, जंगल में मोर बहुत नाचता है। ठीक है, देखे कोई नहीं देखे वो बात अलग है, तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, तो प्रफुल्लित मन मतलब बहुत ही हंसो खेलो कूदो नाचो गाओ, तो झूला उला सब लगाकर झूला न्यूतियां झूला जो है इस दिन झूला झूला तीज भी इसको कहते हैं, झूला खाने की वो परंपरा है। ठीक है, तो श्रावणी तीज भी कहते हैं, छोटी तीज भी कहते हैं, हरियाली तीज भी कहते हैं और झूला तीज भी कहते हैं, जो आती है आपके श्रावण शुक्ला तीज के दिन, श्रावण शुक्ला तीज के दिन ये आती है। महिलाओं का विशेष त्योहार होता है ये, तो इस दिन तीज की सवारी भी निकलती है। ठीक है, इस दिन भी निकलती है तीज की सवारी, त्योहारों का आगमन इसी से इसी तीज से माना जाता है। और एक लाइन भी कही जाती है राजस्थान के त्योहारों के लिए कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, या तीज त्योहारा बावड़ी है वो तो लेकर आती है सभी को और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर पर जो है वो समाप्त हो जाते हैं त्योहार सारे और फिर वापस इस तीज से श्रावण तीज से शुरू हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है, इस चीज को भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आएगा अपने श्रावण मास के अंदर ही पूर्णिमा के दिन आपके मनाया जाता है रक्षाबंधन, यानी कि राखी का त्योहार, भाई बहनों के प्रेम का त्योहार, राखी का त्योहार, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधकर भाई के रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है, रक्षाबंधन सभी मनाते हैं। तो ये जैसे होली दीपावली रक्षाबंधन, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन और ये त्योहार जो है ना ये अपन सभी हर घर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को आता है। विशेष जो ध्यान रखना है वो ये है कि इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण श्रावण पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन का त्योहार आता है इसे अपने क्या कहते हैं संस्कृत दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे किसे, ये जो आती है इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे नोट कर लेना पहले ही क्योंकि मैं इसे मिटाऊंगा वापस। ठीक है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, मिटाऊंगा इसलिए क्योंकि इसको ट्रिक को डिस्क्राइब करेंगे अपन यहाँ पे। अब इसकी ट्रिक है श्रावण महीने की, श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। श्रावण में वैसे तो मैंने आपको त्योहार पढ़ा है ना, तो आप वहीं याद हो गए अभी बताया वो, लेकिन फिर भी ट्रिक यह है कि श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के, ठीक है, हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। अब यहां से क्या आएगा, यहां से दिखती बात है कि श्रावण ही आना है, श्रावण माह के त्योहार है। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके नाग पंचमी, और परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं, यही त्योहार ही सीधे की सीधे, जो डिटेल में बता रहा हूं वो बहुत कम पूछी जाती है। ठीक है, नेवला नवमी, नेवला नवमी जिसे निड्री नवमी भी कहा जाता है। ठीक, ये हरे से लेना है आपको, हरियाली अमावस, हरियाली अमावस। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके कल्प वृक्ष का मेला,
कल्पवृक्ष का मेला, ठीक है, यहां से आ जाएगी आपके झूला तीज, झूला तीज, और यहां से आ जाएगी आपके राखी यानी कि रक्षाबंधन। अच्छा, एक बात मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि ये जो दौर ऐसा होता है ना, इसमें आपको शोधार्थी नहीं बनना है, इसमें आपको विद्यार्थी ही बनना है। कई विद्यार्थी जो है शोधार्थी की तरफ बढ़ते हैं और वो हमेशा के लिए शोधार्थी बने रह जाते हैं, वो फिर आगे मतलब जॉब में नहीं जाते। आपको मतलब यहाँ पे आपको एक बात विशेष ध्यान में रखनी है, ये टू द क्लियर मतलब बिल्कुल क्लियर बात है। आप मतलब जितना अपने आप को उलझाओगे इस जीके में, उतना उलझ के रह जाओगे। ये ऐंचा घास है एक तरह की, यहाँ पे उलझ के बिल्कुल मतलब नहीं उलझने में। आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है कि हाँ ये चीज है। पुराने पेपर उठा के देखो क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। अब ज्यादा मतलब यहाँ पे विद्वान बनने की कोशिश करते हैं ना, तब हम उसके अंदर उलझ के रह जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको याद करने हैं फैक्ट। हाँ ये चीजें कोई विवादास्पद है जो दो तीन किताबों में अलग अलग दे रखा है, विवादास्पद आपको साइड में कर देना, उसके अंदर उलझना नहीं है, क्योंकि वो ना फायदा पहुंचाएगा ना नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो वहां पे मतलब अब कई जने क्या होते हैं कि सर कल्पवृक्ष में, कल्पवृक्ष का मेला कहाँ है, कि कल्पवृक्ष का मेला वहां पड़ता है। सर कल्पवृक्ष का मेला कब पड़ता है, सर कल्पवृक्ष के मेले में कितने लोग आते हैं, ये फलाना ढिकना, कल्पवृक्ष के कितने पत्ते, मतलब फालतू के सवाल। ये फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब सर सतयुग का ही था या द्वापर युग का था या त्रेता युग का था, ये सारी चीजें है ना। एक तो क्या होता है कि मतलब जो पढ़ाने वाला होता है वो भी सोचता है कि यार ये कैसे विद्यार्थी है जो मतलब जो चीजें सीधी सामने पड़ी है उसको उलझा कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो चीजें हैं वो क्लियर है, उसको क्लियर ही रखें, अपना विजन क्लियर रखें। ज्यादा यहाँ पे शोध करने की कोशिश करोगे ना, तो वहीं पे शोधार्थी बन के यहीं पे रह जाओगे। आपको सबसे पहली प्राथमिकता सिलेक्शन की है, और सिलेक्शन ऐसे भटकाव से नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको अपना माइंड बिल्कुल शार्प और क्लियर रखना पड़ेगा। हाँ अपना दायरा जरूर बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन पूरे ये कंठस्थ हो जाते हैं, इसके बाद में आप दायरा बढ़ाओ। दायरा बढ़ाने से क्या होगा कि आप मतलब अच्छे तरीके से और उसको समझ पाओगे। लेकिन अनावश्यक चीजें पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, कि अनावश्यक उलझने से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी अपने ऊपर इसमें सभी वर्क करें कि हाँ ये चीज इस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीजें आपको बता दी, श्रावण माह की ट्रिक बता दी है। ठीक है, अब आते हैं अपन भाद्रपद। एक तो भाद्रपद में और एक कार्तिक में, बहुत सारे त्योहार आते हैं कार्तिक महीने के अंदर भी, भाद्रपद के अंदर भी। ठीक, अब देखो भाद्रपद के अंदर आती है एक तो आपके बड़ी तीज, छोटी तीज उधर चली गई, यहाँ बड़ी आएगी। बड़ी है, देखो यहीं से बताता हूँ, बड़ी है यानी बड़ी है तो बूढ़ी है, बड़ी है तो बूढ़ी है, तो इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, और इसे सातुड़ी तीज कहते हैं क्योंकि सातु के लड्डू बनते हैं इसमें। बहुत भाव है, हकीकत बताऊं अपार दिल में बात, मतलब खुली किताब है, गौरव सिंह का नाम है, खुली किताब है, जो भी है जहां जाते को जैसा नाम है, बीच में मैं कैसे कंट्रोल करूं कि सत्तू के लड्डू के। हाँ गुरु जी बहुत भाव है मेरे तो, मतलब कई बार मदर को कहकर, मदर अच्छे बनाते हैं मेरे तो, मदर को कहकर स्पेशली बनवाता हूँ कि सत्तू के लड्डू बना दो, अब तो खत्म हो गए। तो ये चीजें हैं कुछ मतलब त्योहारों से देखो सब बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। भाद्रवेरी तीजरी तो मतलब बहुत अहमियत तेरे बार बताऊं था। ठीक है, कजली तीज, ठीक है कजली तीज भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्णा तीज के दिन ये त्योहार आता है। इसमें विवाहिताएं क्या करती है, विवाहिताएं नीम के पेड़ की पूजा करती है। बाद में करे नीम के पेड़ की पूजा, पहला क्या करे, पहला करे श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार मतलब कई तो मतलब नव दुल्हन रहती है ना, वैसे कई तो खुदरे ब्याह और वरिया पहने। ठीक है, और दुल्हन रह चुक मतलब बिल्कुल टना टन सज तज के तैयार होती है पहले। बिंग बाद में कैसे, बिंग बाद में गुरु जी क्या करे कि नीम के पेड़ की पूजा, अरे बाद में करे नीम के पेड़ की पूजा, अरे थोड़ी कर रही है बाद, उसके बाद में अपने जो भी प्रियतम है उसके साथ में फोटो खिंचा दी है। ठीक है ना, और फोटो खिंचाने में बहुत जरूरी है, निकल फोटो नहीं खिंचा दिया वो एक दिन तो है अणे, और 365 दिन है अपार पद भेड़ो रहना है ना। ठीक है ना, तो नीम के पेड़ की गुरु जी बिंग बाद में नीम के पेड़ की पूजा करें क्या, हाँ अब तो नीम के पेड़ की पूजा करें, नीचे वो तलाई वलाई बनाकर और महिलाएं सब इकट्ठी होकर फिर बाद में वो पूजा करती है, और वो फ्रूट व्रूट कुछ अंदर दिखाती है उसमें, दी टैग नहीं दी टैग यूं करे। ठीक है, और मतलब इसमें महिलाएं तपस्या इनकी बहुत होती है, कई महिलाएं तो जो है सुबह से सुबह अच्छा इसके साथ में एक और होता है धमोली बोलते हैं उसको, सुबह 3 बजे उठे मतलब फुल हवादार सब कुछ खा पी कर, जो फेवरेट आइटम होते हैं रात को लाकर रख देते, 2-3 बजे उठ के दमा दम डाइट। हालांकि कई जना भावे भी कौन, इतनी जल्दी थोड़ी भावे, कई जना तबियत रो भावे। ठीक है, तो सुबह उठकर धमोली की जाती है, धमोली में वो सारी चीजें खाकर फिर वापस 2 घंटे सो जाती है, और सोने के बाद में फिर
देव को पूरे दिन नहीं खाना है, पीना भी नहीं, फिर तो पानी ही नहीं पीती है, और शाम को फिर ये सब करके तैयार होकर फोटो वोटो खिंचाकर फिर नीम की ये पूजा करके चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है। इसके बाद में फिर चांद दिखता है ना, तब चांद को अर्घ चढ़ाकर और फिर पति की हाथों से, कई पति के हाथों से और कई कंट्रोल कौन है तो डायरेक्ट बात कौन है, ठीक है। तो फिर बाद में जो है ये पूजा संपन्न होती है और उसके बाद में फिर ये व्रत खोलती है। इतनी ये तीज की महत्ता है। और ऐसे कजली तीज भी कहते हैं, काली तीज भी कहते हैं। कजली तीज ये जो है इसका मेला बूंदी का प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये तीज जो है बहुत सारी महिलाएं देखो मनाती है, और मुझे 100% पता है क्योंकि अपने भी चैनल पे बहुत सारे जो है महिला हाउसवाइफ और महिला अभ्यर्थी जुड़ी हुई, और ये सब भी बातें उनको पता है। और अब आज जरूर है, ये दिन है ना, पुरुष अभ्यर्थी जीता है और विवाहित है, ध्यान रखो, और नहीं विवाहित नहीं है तो भी ध्यान रखो आगे टाइम आई, ठीक है। और ध्यान रखो फोटो खिंचाना जरूरी है, ठीक है। फोटो एक दिन नहीं खिंचाई हो तो एक दिन तो है कोई कौन भूखी है शेरनी, और 365 दिन लार बचिया है, ठीक है ना। 365 छोड़ो, 364 दिन तो है ही, बस जब तक तीज नहीं आएगी वापस तब तक सुनना है। था तो फोटो खिंचाना टाइम कौन, था फोटो खिंचाना टाइम कौन, ठीक है। ठीक, तो ये चीज है कह जड़ा गुरु जी हूँ जोड़ दे, गुरु जी नहीं जोड़ रहे, मेरा अनुभव देखी ओड़ो है, ठीक है, भुगती ओड़ो कौन है, ठीक। हल षष्ठी, हल षष्ठी में क्या होता है कि हल से क्या याद आता है, हल किसका हथियार था, बलराम का। तो बलराम के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है, बलराम दाऊ, ठीक है, दाऊ भैया, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी। इस दिन क्या होता है साथियों, इस दिन अविवाहित, एक दिन इस दिन जो है ऊब छठ का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। ऊब छठ का त्योहार भी इस दिन मनाया जाता है। इसी दिन भाद्रपद कृष्णा षष्ठी के दिन ही, छठ के दिन ही ऊब छठ, ऊब छठ मारवाड़ी, मैं कहूँ ना मारवाड़ी बहुत काम की है भाषा, मैं बार बार बोलता हूँ ना बीच में, कई जना के गुरु जी हमको समझ में नहीं आती है, आप कई बार मारवाड़ी बीच में बोलते हैं, मारवाड़ी जरूरी यूं है, देखो ऊब छठ, ऊब छठ यानी उबो वेण, उबो यानी खड़ा, ठीक है ना, खड़े रहना। खड़े कब, इसमें ये अविवाहित कन्याएं मनाती है, ये शाम को मतलब नहा धोकर और ये संध्या के समय से फिर खड़ी रहती है, तब तक जब तक चांद नहीं दिखता ना तब तक खड़े ही रहना है, इनको बैठ नहीं सकती, ये ऐसा व्रत है, ठीक है। खाओ पियो मौज करो भली, ठीक, लेकिन खड़े रहना है। अब इसमें क्या होता है कि भाई मारा आस पास लोग जो अनुभव लिए वो मैं बताऊं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चांद निकलता लेट है, तो इस चांद को देखने के लिए बहुत सारे चांद मार्केट में आते हैं, और उन चांद को, उन सभी अपने अपने चांद को देखने के लिए बहुत सारे चकोरे फिरते हैं, ठीक है ना, ये बता है, ठीक है। और उब झट मतलब ये जब तक चांद नहीं दिखता तो क्या करते हैं अविवाहित युवतियां जो है सब इकट्ठी हो गए और घूमने निकल जाती है, टाइम पास हो जाएगा, याद नहीं आएगा कि बैठना भी है, ठीक है ना, इसलिए। और मैं तो देख गया कि अविवाहित युवतियां तो निकले निकले अविवाहित युवक भी डोलता फिर अभी दिन, ठीक है ना। तो ये ऊब छठ का त्योहार है, कई बार तो क्या होता है चांद निकलता ही नहीं है तो अब बैठे कहते, तो फिर बेचारे माँ बाप जो है वो कुछ ना कुछ यत्न करते, यत्न ऐसे करते कि पलंग खड़ा करके ऐसे कैसे लगा करके, हाँ भाई सो जा ऐसे के ऐसे सो जा यूं करके, और फिर सुला देते हैं, क्या कोई नहीं, खड़े खड़े पैर तो बैंड नहीं हुए, कैसे कैसे खड़े खड़े सुबह सूरज देख के खोल देना। ये सारी चीजें मतलब जो वास्तविक चीजें ना वो बताइए, हालांकि ये मजाक थी कि मार्केट में निकल जाते हैं, ये सब मजाक थी, बाकी ये ऊब छठ का त्योहार अविवाहित करने आए मनाती है, ठीक है। थोड़ा सा क्लास में आपको इंटरेस्ट बना रहा है इसलिए थोड़ा ये करना पड़ता है, नहीं तो गुरु जी मैं तो बोर होगा, अरे बोर होगा कि कौन, बोर तो गरीब का सेव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास बताया था कि लंबी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, ठीक। चलिए कृष्णा जन्माष्टमी भाद्रपद के अंदर ही आती है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कृष्ण भगवान का जन्म होता है रात 12 बजे, उसके बाद में दही हांडी फोड़ी जाती है, ये सारे त्योहार होते हैं, कई सारी टोलियां निकलती है गली मोहल्ले पर, और ये सब गुग्गा मैडी का मेला नोहर हनुमानगढ़ के अंदर भाद्रपद कृष्णा नवमी को बरता है, ठीक है। बाबा रामदेव मेला भाद्रपद द्वितीया से शुरू होकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक ये मेला चलता है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, 10-11 लाख पब्लिक लगभग आती है, जातरू नेजा ले लेकर, नेजा बोलते हैं रामदेव जी की पचरंगी जो ध्वजा होती है उसको बोला जाता है, वो लेकर नेजा ले लेकर कई सारे पूरे देश से जातरू आते हैं यहाँ पे, और ये भाद्रपद के अंदर भरा जाता है, ठीक है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी हो, गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा मेला सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर भरता है, ठीक है ना। तो ये गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी शुक्ला पंचमी के अंदर आती है वृक्ष मेला, वृक्ष मेला यानी कि एकमात्र विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो खेजड़ली के अंदर भरता है, कहाँ भरता है, खेजड़ली
खेजड़ली के फोटो भी मैंने बताए थे आपको, अमृता देवी बिश्नोई का स्मारक और सब। तो वृक्ष मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, और ये भी आपके पड़ता है आपके भाद्रपद शुक्ला दशमी को, ठीक है। तेजादशमी, जो तेजादशमी में पर्वत सर का यूं कह सकते हो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो बढ़ता है, और ये भाद्रपद शुक्ला दशमी को बढ़ता है, पर्वतसर नागौर के अंदर तेजादशमी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में आपके एक रह जाता है यहाँ पे जल झूलनी ग्यारस, जो आता है आपके भाद्रपद शुक्ला ग्यारस के दिन, यहाँ पे देवताओं को स्नान कराने, जहां भी आसपास जल के स्रोत होते हैं वहां स्नान करवाने ले जाते हैं, और इसी दिन रेवाड़ी भी निकलती है, ठीक है। रेवाड़ी हमारे घणेराव की बहुत फेमस है, वैसे सुमेरपुर मुकलसर जहां जहां मैं रहा हूँ सब जगह रेवाड़ी निकलती थी। रेवाड़ी में कई स्वांग धर के वो आते थे वो, और कई रथ और कई सारे अलग देखने का मतलब बहुत आनंद आता है, खासकर जब बच्चे होते हैं तब इस चीज को देखने का बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो ये है अब इसकी ट्रिक में साथियों बहुत बढ़िया है, भाभी खड़ी, खड़ी को आप पढ़े खड़ी लेकिन अपन लिखेंगे जब थड़ी लिखेंगे, थदड़ी एक त्यौहार आएगा सिंधियों का, बासीवाड़ा जिसे कहा जाता है। भाभी खड़ी क्रब से, कब से नहीं है, क्रब से काजल लगा के बाबा गणे ऋषि संग रेवाड़ी जाने को, भाभी खड़ी कब से काजल लगा के बाबा गणे ऋषि संग रेवाड़ी जाने को, ठीक है। अब भाभी यानी कि सबसे पहले तो क्या आ गया भाद्रपद, भाद्रपद खड़ी को अपन क्या कहा थदड़ी पढ़ेंगे, थदड़ी ये सिंधियों का बासियोड़ा होता है, ठंडा खाते हैं इस दिन इनका, अपने जैसे वो शीतला अष्टमी होती है शीतला साधम होती है वैसा। तो ये है क्रब से, क्र यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बच बारस भी आती है, ये है बच बारस, बच बारस के दिन क्या किया जाता है कि गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, जो एक पुत्र की माता होती है वो ज्यादातर इस दिन पूजा करती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, गाय के बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है। ये बच बारस, और ये आ गई आपके कजली तीज, कजली तीज, और यहां से आपको लेना है बाबारी बीज, ये जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया पढ़ा है ना अपन ने, ये बाबारी बीज बोलते हैं इसको, ठीक। और यहां से आपके आई जाएगा गणेश चतुर्थी, यहां से आ जाएगा आपके ऋषि पंचमी, और क्या रह गया, और ये रह गया रेवाड़ी जल झूलनी ग्यारस के दिन, ठीक है। जल झूलनी ग्यारस के दिन आपके रेवाड़ी निकलती है, ठीक। ये हो गया आपके भाद्रपद महीना पूरा, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से ले लेना, जैसे रोज मिलती है वैसे मिल जाएगी, और देख के नोट्स बना सकते हो, पैसे ऐसे भी बनाते हो रेगुलर में, तो वो आपका लुकआउट है कि आप कैसे बनाते, मैं इधर उधर होता हूँ तब बना सकते हो, ठीक है। बाकी कई जना क्या गुरु जी स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दे, अरे पूरी पीडीएफ दे दी रहे मेरे बाप, स्क्रीनशॉट की जरूरत कट पड़े है, ठीक है। अश्विन माह के त्योहार, असोज भी कहते हैं इसको, अश्विन माह, अश्विन कह दो या असोज कह दो, असोज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं शारदीय नवरात्र या बड़े नवरात्र, जो नौरता गरबा खेले नहीं वे नौरता ए है, ठीक है, अश्विन नवरात्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अश्विन शुक्ला एकम से नवमी तक मनते हैं दुर्गा अष्टमी के अलावा यहाँ पे छठ पूजा जो अपने बिहार बंगाल में की जाती है वो भी यहाँ पे छठ पूजा भी इसी महीने के अंदर, ठीक है। दुर्गा अष्टमी अश्विन शुक्ला आठम के दिन, ठीक है। विजयादशमी आती है, विजयादशमी यानी दशहरा, दशहरा को क्या हुआ रावण वध हुआ था, तो रावण वध और यहाँ पे भी रावण दहन वगैरह करते हैं, विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा होती है, इस दिन खेजड़ी यानी शमी वृक्ष की पूजा होती है, इस दिन लीलता पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, ठीक है। तो ये विजयादशमी का त्योहार है जो अश्विन शुक्ला दशमी के दिन आता है। शरद पूर्णिमा जो है ये आपके अश्विन पूर्णिमा होती है, कहते हैं कि इस दिन चांद जो है अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ में आता है और ये अमृत बरसाता है चांद, इसलिए इस दिन एक तो चपड़ा बनाते हैं, चपड़ा बोलते हैं हमारे तो भाई वो शक्कर और गुड़ का चपड़ा बनाते हैं, और खीर बनाते हैं, और खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, बताते कि अमृत गिरता है और उसको फिर बाद में उसका सेवन किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शरद पूर्णिमा भी इस महीने के अंदर आती है। इसके बाद में अपन चलते हैं कार्तिक माह में, कार्तिक माह में बहुत सारे त्योहार, कार्तिक माह में सबसे पहले देखो तीज बात आई ना, तीज वाली वाह बात करवा चौथ में भी है, ठीक है। एक करवा होता है और ये करवा चौथ है जो पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है, पति को क्या है कि भाई पति के लिए देखो क्या होता है कि एक दिन देखो व्रत ये करके पति की लंबी आयु
पति कह के न तो जीवन ने दे और न जावा ने दे यार कर कही ठीक है मजाक करूं रे ठीक आगो नहीं लाए। कार्तिक कृष्णा चौथ ठीक है, धनतेरस, धनतेरस आती है कृष्णा तेरस को ठीक है। इस दिन ऋषि धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इस दिन क्या करते हैं कि अपने या तो कोई ना कोई नई चीज खरीदते हैं, या तो बर्तन खरीद लेते हैं, सोना चांदी खरीद लेते हैं, या कोई नई आइटम जो खरीदनी है धनतेरस के दिन खरीदते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठकर महिलाएं और ये आंवल का फूल और ये लेकर और मिट्टी को थोड़ी सी पूजा करके लाकर वो धन के रूप में लाकर उसको रखते हैं। तो ये धनतेरस के दिन यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद में आती है रूप चौदस। रूप चौदस आती है आपके कार्तिक माह की चौदस को चतुर्दशी भी कह सकते हो। इसे यम चौदस, यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन रूप चौदस के दिन सर्वाधिक काली विद्या बहुत की जाती है इस दिन ठीक है। तो सर्वाधिक काली विद्या इस दिन की जाती है, रूप चौदस यम चौदस भी कहा जाता है। और इसके जस्ट बाद में अगले दिन आती है दीपावली, जो कार्तिक अमावस्या के दिन आती है। वैसे अमावस्या होती है लेकिन दीपक वगैरह बहुत सारे लगा के रोशनी हम बहुत कर देते हैं। सभी को पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है, अपने राम जी भगवान लौट कर आए थे वनवास से और इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। ये सभी को ध्यान है। तो दीपावली के बारे में आप सभी जानते हो, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बताता हूं मैं आपको कि इस दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी हुआ था। महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी इसी दिन दीपावली के दिन ही हुआ था। दयानंद सरस्वती को जैन किसने दिया था पता है ना, याद है कि नहीं, जगन्नाथ नामक रसोई नन्नी जान नन्नी भक्तन ठीक है ना। और ये चीज है। और इसके बाद में देखो और भी त्योहार है अभी अपने भैया दोज ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट बाद में गोवर्धन पूजा होती है, गोबर से गोवर्धन बनाकर गोवर्धन पूजा की जाती है दीपावली के जस्ट बाद अगले दिन। और उसके बाद में भैया दूज आती है जो कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाई जाती है। फिर लाभ पंचमी आती है और लाभ पंचमी कार्तिक शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं दीपावली के बाद अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, 5 दिन तक घूमने फिरने जाते हैं ठीक है। मारवाड़ियों की आदत ही कौन है, मारवाड़ियों की आदत है संचित धन ठीक है ना, संचित करो ए फटाक दीपावली के अगले दिन ही खोल दे, रामा सामार जस्ट अगले दिन दुकान खोल दे, खोलो रे ग्राहक खाली चाहिए। और ज्यादातर घूमने का मजा लेते हैं गुजराती, गुजराती देखना जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पे दीपावली से लाभ पंचम के दिन तक बहुत मिले। और मारवाड़ी कट मिली दीपावली के रामा सामार दिन तो साहब मिली एक गुजार गदे और रामा सामार दूसरे दिन कट मिली दुकान मत मिली ठीक है ना। मारवाड़ियों की खासियत है पैसा बचाना। इस दिन व्यापारियों का नववर्ष प्रारंभ होता है, नए चौपड़े वगैरह बना लगाते हैं और नए मतलब इनका व्यापारियों का नववर्ष माना जाता है ठीक है। गोपा अष्टमी, गोपा अष्टमी जो है कार्तिक शुक्ला अष्टमी को, गोपाल अष्टमी नहीं है गोपा अष्टमी है ठीक है ना। तो ये फिर नानक जयंती, नानक जयंती जो है वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जी का जन्म पता है ना, तलवंडी के अंदर गुरु नानक पढ़ाया, अच्छा फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ाया था ठीक है, तो तलवंडी के अंदर हुआ था। और यहाँ पे इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, इसे काणी दीपावली भी कहा जाता है ठीक है, काणी दीपावली छोटी दीपावली। इस दिन साथियों पुष्कर और कोलायत का मेला भरता है। मैंने बताया था आपको कि पुष्कर और कोलायत में बहुत सारी समानता है, इसी दिन यहाँ पे मेला भरता है। कोलायत दीपदान की जो है यहाँ पे बहुत खासियत रहती है, दीपदान किया जाता है ना। ये बावन घाट कोलायत में भी है, बावन घाट पुष्कर में भी है, ये सारी चीजें बहुत सारी समानताएं हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो है इसका मेला पड़ता है। हिंदी महीनों के 2 माह ऐसे हैं जो मढ़ मास कहे जाते हैं और इसमें कोई भी त्योहार बताते हैं कि नहीं आते हैं उसमें, एक तो आपके मार्गशीर्ष और एक पौष माह ठीक है। इन 2 माह को मढ़ मास कहा जाता है, इसमें कोई भी त्योहार बताते हैं कि नहीं आते हैं ठीक है, छोटे मोटे कोई आ जाए वो बात अलग है। और कार्तिक माह की ये है साथियों आपके सामने धुआंधार ट्रिक ठीक है। का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना, का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना, मारवाड़ी में बनाई हुई है ठीक है, याद हो जी बहुत बढ़िया। का करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना ठीक है, कहा से आ जाएगा कार्तिक महीना, कार्तिक करो से यानी करवा चौथ, करवा चौथ, धन से धन तेरस, रू से रूप से रूप चौदस, दीपा से दीपावली, गोपा से गोपाष्टमी ठीक है, भाई से भाई दूज या भैया दूज भाई दूज ठीक है, कोणा से काणी दीपावली, काणी या काणी दिवाली या छोटी दीपावली, ना नोना से नानक
जयंती, ठीक है, ये हो गई आपके। का करो धनरूप दीपा गोपा भैरा कोणा नोना, का करो धनरूप दीपा गोपा भैरा कोणा नोना, याद हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कार्तिक महीना आपके हो गया पूरा। इसके बाद में देखो एक मौनी अमावस्या आती है, जो माघ अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है, म से माघ और म से मौनी अमावस्या। फिर आती है बसंत पंचमी, इस दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, सरस्वती माता की पूजा की जाती है। माघ शुक्ला पंचमी को आती है, विद्यालयों में भी इस उत्सव को मनाया जाता है। और इस दिन की खासियत यह है कि इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन ही दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अभी तो बाकी है भैया, आज की क्लास तो वैसे बहुत लंबी हुई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई, काफी हो गई, 45 मिनट तो शायद अभी हो गए हैं। माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा जो है उस दिन बेणेश्वर का मेला बढ़ता है, गंगा स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ भी कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं अपने फाल्गुन माह के अंदर, अभी अभी अपने फाल्गुन माह गया था, ठीक है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के अंदर आती है, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को ये आती है। मैंने आप लोगों के लिए, आपको ध्यान हो तो, रुद्राभिषेक किया था सुबह 3:30 बजे 4 बजे रुद्राभिषेक किया था, आपको बताया भी था, ठीक है। इस दिन सिवाड़ में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का प्रसिद्ध मेला पड़ता है, जो कहाँ है, सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ है, सवाई, माधोपुर के अंदर है, ठीक है। होली, होली का जो त्योहार है वो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आता है, बहुत ही मजे लेने वाला त्योहार है होली। सारे ही मतलब देश भाव भूल कर और होली के त्योहार को, अब होली के दिन, इस दिन तो क्या होता है वैसे, इस दिन तो होलिका दहन होता है पूर्णिमा के दिन, जो हिरण्यकश्यप होलिका और प्रहलाद वाली कहानी है वो यहाँ पे है, होलिका दहन होता है। इसके जस्ट बाद में धुलंडी मनाया जाता है, और ये ध्यान रहे कि धुलंडी अगले माह में चला जाता है, पूर्णिमा पर महीना पूरा हो जाता है, ठीक है। धुलंडी जाता है आपके चैत्र कृष्ण एकम पर, धुलंडी कहाँ चला जाता है, चैत्र कृष्ण एकम पर चला जाता है। तो ये ध्यान रखना, होली तो रहती है फाल्गुन में और धुलंडी जाती है चैत्र महीने में। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति थे जो होलिका के मंगेतर थे, जिनका नाम था इलोजी, इलोजी अपने देवता है वैसे, इलोजी अपने लोक देवता है वैसे, ठीक है ना, छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। इलोजी होलिका के मंगेतर थे, और इनके क्या हुआ थे, इनकी सगाई हुई थी मंगेतर थे, यानी कि वो बाद में पता चला कि होलिका तो है प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने वाली है, होलिका को वरदान प्राप्त था कि ये अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका कहते हैं टेंशन फ्री रहो, मैं प्रहलाद और काम तमाम कर, और अब बाद में ब्याह करना, मैं अजम पद ब्याह करना। और वो प्रहलाद तो भगवान का भक्त था, प्रहलाद तो बच गया, होलिका की हो गई पूरे दहन, होलिका का ही हो गया। उसके बाद में जब अगले दिन आते हैं, पता चलता है कि होलिका तो दहन हो गया, तो बाद में उसकी जो राख पड़ी होती है होलिका की, उसको लेकर अपने शरीर पर भस्म को लगा देते हैं, और उसी उपलक्ष्य में धुलेटी मनाया जाता है। अब हम जो है गुलाल और रंग लगाकर उसको मनाते हैं, धुलेटी या धुलंडी उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रंग पंचमी, चैत्र कृष्णा पंचमी को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। फिर आता है आपके शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी आपके साथियों, चैत्र कृष्णा अष्टमी अभी गया है, शीतला माता का मेला और शीतला माता का दिन अभी गया है, ठंडा मनाते हैं, अगले दिन ठंडा खाते हैं। और शीतला माता का जो मेला है वो चाकसू का बहुत प्रसिद्ध मेला शीतला माता का बढ़ता है, ठीक है ना। बांसुड़ा इस दिन खाते हैं, और जोधपुर में गुड़ला नृत्य भी इस दिन किया जाता है, शीतला अष्टमी के दिन भी गुड़ला नृत्य किया जाता है, ठीक है। चैत्र अमावस्या को साथियों घोटिया अंबा मेला, बांसवाड़ा के अंदर घोटिया अंबा का मेला भी यहाँ पे बढ़ता है। और ये है आपके चैत्र कृष्ण पक्ष की ट्रिक, कि चित्र धुला तो वापस शीतल रंग भर दू। देखो चित्र से मतलब है चैत्र, धुला से मतलब है धुलंडी, ठीक है, शीतल से मतलब है शीतला अष्टमी, और रंग से मतलब है आपके ये रहा कहाँ गई, रंग पंचमी, ठीक है, रंग से मतलब है रंग पंचमी। और इस तरीके से इतनी मतलब इस क्लास के अंदर ही ये आपके पूरा पूरा त्योहार कवर हो चुके हैं, पूरी इसी क्लास के अंदर पूरे त्योहार कवर हो गए हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या है, कभी भी ये क्लास आपने देख ली तो आपके शुरू से लगाकर अंत तक पूरे के पूरे एक तरीके से त्योहार, हाँ कुछ एक दो चार छुट्टे होंगे तो वो कुछ हो सकते हैं, लेकिन यदि देखोगे मुख्य त्योहार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार्ट के माह से लगाकर अंत के माह तक पूरे के पूरे आपके कवर हो जाएंगे। कभी भी उठाकर देख ली 40-50 मिनट की क्लास, और उसके बाद में आपके पूरे त्योहार आपको वापस याद, हाथों हाथ याद होने वाले हैं, ठीक है। अब इस क्लास का मैं रैपिड रिविजन नहीं करवाऊंगा वैसे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है वैसे भी,
और इसका रैपिड रिवीजन कराऊंगा मैं, कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। इसको आप ही क्या करेंगे कि क्लास पूरी देख लेते हो, इसके बाद में आप डबल स्पीड में डाल के इसको और वापस देख सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी अगली जो क्लास आएगी उसमें रैपिड रिवीजन आपका मैं करवा दूंगा। और ऐसी कभी जरूरत महसूस हुई ना कि हाँ इसका रैपिड रिवीजन करवाना है, तो मैं एक छोटा सा 10-15 मिनट की कोई क्लिप बनाकर, इसी इन्हीं स्लाइड्स पर क्लिप बनाकर और मैं वापस आपके रैपिड रिवीजन की अलग से एक वीडियो दे दूंगा। तो इसमें आप चिंता ना करें। कई जना कहते हैं गुरु जी रैपिड रिवीजन रेगो, अरे क्लास भी लंबी है रे, ठीक है ना? तो लंबी क्लास है लेकिन इस क्लास के अंदर बहुत सारा मैटर आपको मिला है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और अभ्यास करते रहना। साथ में अभ्यास के लिए आपको अवेलेबल करवा दिया है प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए बार बार आप मुझे नहीं पूछें कि सर कहाँ से अभ्यास करें, कैसे करें, क्योंकि बार बार बताना भी संभव नहीं है। बता रखा है कि टेस्ट सीरीज चालू है टॉपिक वाइज, तो वहां पे अभ्यास आप निरंतर कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो जितने भी अपने पढ़ने वाले हैं उन तक शेयर कर देना कि क्लासेस जो है यहाँ तक 105वीं क्लास है ये। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।